विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो बंदहु गुरु पद पदम परागा और व्यासपीठ के माध्यम से ये धर्मेंद्र बाबू की तरफ से एक फूल माला से हमें सम्मानित किया है। 501 रुपए का पुरस्कार दिया व्यासपीठ के माध्यम से। भगवान सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बड़े हर्ष की बात है कि आपके इस पावनमयी धरती पर भगवान की कथा चल रही है और हमारे शिष्य अतुल शास्त्री ने जब हमें बताया कि गुरुजी तुम्हें आना होगा तो हमारे भी ये सौभाग्य है कि आप लोगों के दर्शन हुए। भगवान की कथा जहां पर चलती है, जहां तक आवाज जाती है, भूत प्रेतों का तो विनाश हो ही जाता है। भगवान की कथा कान में पड़ने से हमारे भी समस्त विकार विनाशित हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान की कथा इस कलयुग में काम क्या करती है। इस कलयुग के समय में भगवान की कथा काम कौन सा करती है, ये बताया हमारे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। क्या के राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी
सबसे प्रथम बात है कि संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है। दूसरी बात है कि कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करती है भगवान की कथा। श्रोता बंधु, राजा परीक्षित जी कथा को श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी बताते हैं उत्तरानंदन परीक्षित, यह संसार माया का घर है, यह दुनिया माया का घर है और जीव माया के बस में है, जीव माया के बंधन में है। इसे अपनी कलम से गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में बताया है के माया बसे जीव अभिमान। जीव अभिमानी, ये जीव माया के बस में है और माया ईश्वर के बस में है। ध्यान रखना, परवश जीव। परीक्षा धर्मेंद्र जी तुम बने हो? अच्छा, यज्ञपति ना बनाए कोई? बने कहाँ आ रहे हैं? ऐसे अन्य कह दो अपनी ड्यूटी पे पाबंद रहो बिल्कुल। अच्छा फिर तुम दोनों जने उल्टे कैसे बैठे हो? तुम्हें दोनों जने तो कथा में और यज्ञ पे हमेशा धर्म पत्नी को सीधे आता है, सीधे आता है। ठीक, हाँ चलो सीधे हाथ बैठ जाया करो कथा में और यज्ञ में। बस लला जाओ, मैं भी इनको कम करियो। हेलो, बस तो जीव माया के बस में है और माया ईश्वर के बस।